झारखंड के पूर्व खेल मंत्री के आवास पर सीबीआई की छापेमारी, 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में कार्रवाई। सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ताजमहल की मस्जिद में नमाज पढ़ने पर 4 पर्यटकों को पकड़ा, पुलिस कर रही पूछताछ। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा, जोजिला दर्रे पर सड़क से फिसलकर गहरी खाई गिरी टैक्सी वैन, 6 से 7 लोगों की मौत की खबर। यासीन की उम्र कैद का 20 पन्नों का कोर्ट ऑर्डर, जज बोले किए पर एक बार भी खेद नहीं जताया, कश्मीर में हिंसा का कभी विरोध नहीं किया। आइडिया ऑफ इंडिया पर अटैक, देश के साथ विश्वासघात। सोनू सूद बिहार की लड़की के लिए मददगार बने, सोनू सूद कहा एक पैर पर नहीं अब दोनों पैरों पर जाओगी स्कूल। केदारनाथ व यमुनोत्री यात्रा पटरी पर लौटी, अब तक 4 धाम में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली सरकार के सभी खेल सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। हर मस्जिद की खुदाई करेंगे, रामराज्य आने पर उर्दू पर रोक, तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष की ओवैसी को चुनौती। पश्चिम बंगाल, बंगाल में भाजपा को एक और बड़ा झटका, एक साथ 20 नेताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का बजट 2022 से 23 पेश किया। जेल जाने को तैयार रहे उद्धव के मंत्री अनिल परब, और छापों पर सौमया ने कसा तंज। आंतरिक जांच एजेंसियों को खोज और छापेमारी करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पता नहीं राज्य मंत्री अनिल परब के खिलाफ यह कार्रवाई क्यों की गई है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार,